सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात का ये मामला है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें निपटाने का आज आखिरी रोज है। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है, जबकि उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेजा की जाएगी। इंतखाबात के लिए पोलिंग कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों में 2 अप्रैल को होगी। मजीद जानते हैं उस्मान जबार से। उस्मान, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सेनेट की जो 48 नशस्तें हैं उस पर इंतखाबात के लिए जो संक्रोनी का अमल है वो जारी है। उम्मीदवार की कागजात नामजदगी जो है मंजूर हो या मुस्तरद होने के खिलाफ जो अपीलें हैं वो निपटाने का आज आखिरी रोज है। इस्लामाबाद की जो नशस्तों के लिए जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को ट्रिब्यूनल जज बनाया गया है, जबकि जस्टिस शाहिद हिलाल हसन को पंजाब और जस्टिस एहसन इकबाल को सिंध के लिए एबलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है। जो रिटर्निंग अफसरान है उनकी जानब से उम्मीदवारों की जो सक्रूनी का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है और उम्मीदवारों की जो हतमी फहरिस्त है 27 मार्च को अवेजा की जाएगी, जबकि इंतखाबात के लिए जो पोलिंग है वो कौमी असम्बली में और जो चारों सूबाई असम्बलियों में 2 अप्रैल को 48 नशस्तों पर होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान जब्बार।